हेलो माय लवली फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग सब जानने वाले हैं दो चीज़। पहला, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर क्या होते हैं। दूसरा, हम लोग सब जानने वाले हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर को हम लोग सब रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टाइप्स ऑफ डीसी मोटर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में हम लोग सब डीसी मोटर को दो हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स, और दूसरा हमारा होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर्स, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को हम लोग सब तीन हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें सीरीज वुंड डीसी मोटर्स, दूसरा हमारे पास होता है शंट वुंड डीसी मोटर्स, और तीसरा हमारे पास होता है कंपाउंड वुंड डीसी मोटर्स। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स। सबसे पहले आते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स में। हमारे पास जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होता है, ये सिमिलर होता है शंट की तरह, शंट वुंड मशीन की तरह। बट इसमें एक डिफरेंस होता है ये कि जो आर्मेचर में और जो फील्ड होता है, ये दोनों में हम लोग सब सेपरेटली क्या डीसी सप्लाई देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा जो फील्ड होता है वो एक्साइटेड होता है अदर सोर्स से, और जो हमारे पास आर्मेचर में जो करंट जा रहा है वो अलग होता है। समझे बात को? तो हमारे पास यहाँ पर आर्मेचर में करंट कितना जा रहा है भाई? आर्मेचर में जो करंट जा रहा है वो है आई, ठीक है। ये आई हमारा, आई इक्वल्स टू हमारा लाइन करंट भी होता है, और इसको हम लोग सब आई ए भी बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? और हमारे पास जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ, ठीक है, ये बैक ईएमएफ जो डेवलप्ड होता है उसको हम लोग सब ईवी से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल्स टू होता है वी माइनस आई ए आर ए। समझे बात को? अब हमारे पास जो पावर जो होता है, पावर ड्रॉन किसके कहाँ से? फ्रॉम दी सप्लाई। ये क्या होता है भाई? ये होता है हमारे पास पी इक्वल्स टू वी आई। समझ रहे हो? ये क्या है? वी क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। समझ रहे हो बात को? तो हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या होगा? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या होगा? मैकेनिकल पावर जो हमारा डेवलप्ड हो रहा है, दैट मीन्स हमारा पीएम जो डेवलप्ड हो रहा है वो क्या है भाई? पावर इनपुट टू दी आर्मेचर माइनस पावर लॉस्ट इन दी आर्मेचर। समझो बात को? दैट मीन्स हमारा क्या है? पावर इनपुट कहाँ पर? टू दी आर्मेचर, ठीक है, माइनस क्या होगा भाई? पावर लॉस्ट इन दी आर्मेचर। अब इसको अगर हम लोग सब लिखना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? सिंपली पावर इनपुट, इनपुट पावर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वी आई, ठीक है, माइनस पावर लॉस्ट इन दी आर्मेचर क्या है होगा भाई? ये होता है हमारा सिंपली आई स्क्वायर आर ए, ठीक है। आई को अगर हम लोग सब कॉमन ले लेंगे, आई को अगर जैसे ही हम लोग सब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वी माइनस आई आर ए, ठीक है, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या? ये हो जाएगा हमारे पास ई बी आई। समझ में आया? देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्या कि यहाँ पर आई लिखे हैं, यहाँ पे आई ए लिखे हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आई है ये इक्वल्स टू लाइन करंट है, और वही हमारा आर्मेचर करंट है। समझ रहे हो? और यहाँ पर जो अंदर में जा रहा है फील्ड में वो है आई एफ, इसको हम लोग सब फील्ड करंट बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर क्या हुआ भाई? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर वो हुआ जिसमें हम लोग सब आर्मेचर में अलग से सप्लाई डाल रहे हैं और फील्ड में भी अलग से सप्लाई डाल रहे हैं, और लेकिन हमारा जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई? वो हो रहा है ई बी आई, ठीक है, समझ रहे हो? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है क्या? सीरीज वुंड डीसी मोटर, ठीक है। सीरीज वुंड डीसी मोटर में क्या होता है कि हमारा जो सीरीज फील्ड होता है वो सीरीज में लगा हुआ होता है। दैट मीन्स ये आप लोग सब देख सकते हैं कि जो सीरीज फील्ड है वो किसके साथ सीरीज में लगा हुआ है भाई? आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा हुआ है। इसी को हम लोग सब बोलते हैं सीरीज वुंड डीसी
मोटर। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो आई ए है, आई ए जो आर्मेचर का करंट है वो इक्वल्स टू क्या है, आई एस ई सीरीज करंट, किसका, हमारा जो फील्ड में जो करंट जा रहा है वो इक्वल्स टू है आर्मेचर करंट। क्यों? क्योंकि भाई जो सीरीज में जो करंट जाता है वो डिवाइड नहीं होता है, वो अलग नहीं होता है, ठीक है, वो सेम होता है। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वही करंट यहाँ पे भी जा रहा है, समझे बात को। तो ये हमारे पास क्या है, आर्मेचर करंट। ये हो गया हमारा भाई क्या, आर्मेचर करंट, और ये किसके इक्वल है भाई, सीरीज करंट के, ठीक है। और यहाँ पर बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ डेवलप्ड क्या हो रहा है भाई, दैट मीन्स हमारे पास ईवी क्या डेवलप्ड हो रहा है, हमारे पास ईवी डेवलप्ड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वी माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर कितना सप्लाई डाल रहे हैं, वी, और यहाँ पर क्या लगाओ, करंट जा रहा है आई, यहाँ पर सीरीज फील्ड है और यहाँ पे आर्मेचर भी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एस ई प्लस आर ए, समझे बात को। तो ये हो गया हमारा बैक ईएमएफ ऑफ किसका, सीरीज वुंड डीसी मोटर का। तो यहाँ पर पावर, पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिंपली हमारा सिमिलर है वी आई, जो हम लोग सब पहले भी देख चुके हैं वी आई, ठीक है। अब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या होगा, मैकेनिकल ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पी एम इक्वल्स टू हमारा इनपुट पावर माइनस लॉसेस, ठीक है। इनपुट पावर हमारे पास क्या है, वी आई, ठीक है, और हमारा लॉसेस क्या है, आई स्क्वायर, और टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, आर ए प्लस आर एस ई, ठीक है। अब हम लोग सब यहाँ से सिमिलर है, आई को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी माइनस आई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर एस ई। अब हम लोग सब अगर देखना चाहें तो हम लोग सब देख सकते हैं कि ये और ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, तो हम लोग सब इसको लिख सकते हैं क्या, ई बी आई। तो हमारा पी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये सिंपली ई बी आई हो जाएगा, समझे बात को। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में, वो है शंट वुंट डीसी मोटर। शंट का मतलब होता है हमारा पैरेलल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई कि हम लोग सब फील्ड को आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, तो पैरेलली कनेक्ट करने से हमारे पास जो लाइन करंट है, लाइन करंट आई एल, दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू आई, ये डिवाइड हो जाता है किस में, आई ए में और आई एस एच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई ए प्लस आई एस एच। अब जो ये सेंट फील्ड होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, मोर होते हैं, जिसके कारण ये लार्ज रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और इसमें जो फील्ड करंट जो जाता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, दैट मीन्स अराउंड 5%, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों का सेम होगा, दैट मीन्स हमारे पास अगर आई एस एच निकालना है डायरेक्ट, आई एस एच इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट V डिवाइडेड बाई आर एस एच, ठीक है, समझे बात को। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ई बी बैक ई एम एफ क्या होगा भाई, बैक ई एम एफ हमारे पास हो जाएगा V माइनस क्या, आई ए आर ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो पावर ड्रॉन बाई द सप्लाई मेन्स है वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा हमारे पास P इक्वल्स टू वी आई एल, ठीक है। अब यहाँ पर मैकेनिकल, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या हो जाएगा भाई, पी एम, पी एम इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर इनपुट, ठीक है, माइनस हमारे पास लॉसेस। अब यहाँ पर दो लॉसेस है हमारा, आर्मेचर के कारण और एक शंट के कारण, तो हम लोग सब दोनों को लिखेंगे लॉसेस इन द आर्मेचर एंड शंट फील्ड, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वी आई एल, ठीक है, माइनस वी पावर, यहाँ पे कितना पावर हो जाएगा, वी इंटू आई एस एच, ठीक है, और आर्मेचर में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है, क्या ए, ठीक है, और ये आर ए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सब वी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई एल माइनस आई एस एच, ठीक है, और ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर आर ए, ठीक है, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा, ये देखिए, ये अगर हम लोग सब पहला इक्वेशन में देखेंगे
तो अगर हम लोग सब इधर ISH को भेज देंगे तो ये इक्वल्स टू IA आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा VIA, ठीक है, VIA माइनस IA स्क्वायर RA, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सब IA को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या भाई, V माइनस IA उसके बाद RA, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा क्या भाई, EB IA, समझ में आया? यही हमारा है PM, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन शंट वुंड DC मोटर। शंट वुंड एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, शंट का मतलब होता है पैरेलल, और यहाँ पर हमारा शंट फील्ड पैरेलली लगा होता है किसके साथ, आर्मेचर के साथ, और हम लोग सब इसको सप्लाई देते हैं, और ये आता है सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर में, समझे बात को? चलिए बढ़ते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में हमारे पास है कंपाउंड वुंड DC मोटर। इसमें हमारे पास दो टाइप होते हैं, पहला हमारे पास होता है कम्युलेटिव कंपाउंड DC मोटर, जिसमें हमारे पास एक सीरीज फील्ड लगा होता है और एक शंट फील्ड लगा हुआ रहता है, समझे? और दूसरा हमारे पास होता है डिफरेंशियल कंपाउंड वुंड मोटर, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सेम सीरीज फील्ड लगा होता है, शंट फील्ड लगा होता है। डिफरेंस बस यही है कि हम लोग सब जो करंट का डायरेक्शन है कम्यूटेटिव में कुछ इस तरह से रखते हैं और रिवर्स कर देते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड, किसमें, कंपाउंड वुंड मोटर में। देखिए इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है और इसका डायरेक्शन फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, यही हमारा हो गया क्या, कंपाउंड वुंड DC मोटर। कंपाउंड वुंड DC मोटर को हम लोग सब दो कनेक्शन में और बांट सकते हैं, वो है आइदर लॉन्ग शंट कनेक्टेड या शॉर्ट शंट शंट कनेक्टेड। ये इसके बारे में हम लोग सब जब जनरेटर के टाइप्स पढ़ेंगे तो हम लोग सब डिटेल्स में जानेंगे। देखिए आप अभी तक तो दोनों चीज़ जान चुके हैं, सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर क्या होता है। तो अगर हमको DC मोटर का डायरेक्शन को रिवर्स करना है, मतलब अगर वो किसी एक डायरेक्शन में अगर घूम रहा है उसका डायरेक्शन को हमको अगर रिवर्स करना है तो हम लोग सब क्या कर सकते हैं, आइदर, ठीक है, आइदर, ठीक है, फील्ड का या किसका, आर्मेचर, ठीक है, इसका हम लोग सब कनेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, बट ये याद रखना है बट नॉट बोथ, ठीक है, क्या याद रखना है, या तो अगर हम लोग सब किसका, फील्ड का या तो फिर आर्मेचर का, दोनों का कनेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, दोनों में से कोई किसी एक का, ठीक है। ये तो रहा अगर हमारे पास सीरीज रहे या शंट रहे। अब बात करते हैं भाई कंपाउंड मोटर रहे तो क्या करेंगे भाई। कंपाउंड मोटर में हमारे पास दो दो चीज़ लगा होता है, एक लगा होता है सीरीज और एक लगा हुआ रहता है हमारे पास क्या, शंट, ठीक है, दोनों हमारे पास लगा होता है, तो हमको दोनों का कनेक्शन को रिवर्स करना है, समझे? तो हमारे पास रिवर्स करने का क्या दो तरीका है भाई। पहला तरीका है सीरीज और शंट में क्या करना है भाई, हमको फील्ड या फिर आर्मेचर का कनेक्शन को रिवर्स करना है, दोनों को एक साथ नहीं करना है, ठीक है। और कंपाउंड मोटर में जो हमारा शंट और सीरीज जो लगा हुआ है उस दोनों का कनेक्शन को हमको रिवर्स करना है भाई, समझ रहे हो बात को? होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक एक डिटेल्स आपको गायब हुआ होगा। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।